नमस्कार दोस्तों, इंटरव्यू टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह। आज मेरे साथ हैं एक ऐसी हस्ती जिनको आज भारत में किसी प्रोडक्शन की, किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं उनकी उपलब्धियां आपको गिनाऊंगा तो शायद ये इंटरव्यू का समय उनकी उपलब्धियों में ही निकल जाएगा। तो क्यों ना हम सीधे उनसे के पास चलते हैं और बात करते हैं। मेरे साथ हैं दीपा मलिक जी। दीपा जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप मेरे घर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जब हमारी आपसे बात हुई इंटरव्यू के लिए, आपने समय दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। मैं रियादो जैनरो से आपकी बात शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहला वो इंटरनेशनल आपका एक्सपीरियंस था, कैसा रहा? मेरा एक्चुअली जो खेलों का करियर है वो एज अ तैराक जी, एक स्विमर के तौर पे शुरू हुआ था। 2006 में पहली बार मैं पैरा खेलों से जुड़ी थी जी। और पहला अंतर्राष्ट्रीय मेरा हुआ था मलेशिया में जी। अच्छा जी, 2006 में मैं फेस्पिक खेलों में, जो तब के एशियाई खेल माने जाते थे जी। लेकिन फिर 40 वर्ष की आयु तक आते आते मुझे पता लग गया था कि अगर मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बेहतर करना है तो फिर मुझे एथलेटिक्स सीखना जी, पड़ेगा जी, जी। और एथलेटिक्स में मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि भारत की पहली महिला हूँ जिसको पैरा एशियाई खेलों में जी, जी। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जी, जी। और फिर पैरालंपिक्स में भी जी। एथलेटिक्स में पहला मेडल भारत का जी। लेकर आई, तो बहुत खुशी है। रियो पैरालंपिक्स में भारत का पहला महिला पैरालंपिक मेडल बना जी, जी। तो वो अपने आप में एक इतिहास रचा गया। पहला होना सौभाग्य की बात तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ एक टीस, एक दर्द जुड़ा हुआ था कि क्यों 72 साल लग गए आज़ाद भारत को महिला का पहला पैरालंपिक मेडल बनाने में। तो मुझे खुशी है कि आज अध्यक्षा के रूप में मैं उस बदलाव का हिस्सा बन रही हूँ। दो और महिलाओं के मेडल आए हैं। रियो में हम दो ही महिला थी, एक को फिर बाद में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली। इस बार 14 महिला खिलाड़ी गई हैं, जिसमें से तीन महिला मेडल आए हैं जी। अच्छा, तो ये अच्छा बदलाव है नए भारत का। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो स्पोर्ट्स है वो शॉट पुट है, वो जेवलिन है, और उसमें कहा गया F53 आपका वो है, थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों के? अब तो मुझे लगता है कि टोक्यो की उपलब्धियों के बाद बहुत ज़्यादा जानकारी हो गई है, पर आप सही कह रहे हैं, विरुद्ध परिस्थितियाँ एक ज़माने में थी जब आज से 14-15 साल पहले मैंने खेलना शुरू किया था। पहली बात तो इन खेलों को कोई मेन स्ट्रीम नहीं समझता था और दिव्यांग में खेलना या आपस में दो बातें मेल खाती भी होती नहीं थी, क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति, दिव्यांग तो अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये शब्द दिया है जिसके अंदर दिव्य शक्ति, एक एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी आती है निखर के, लेकिन अपंग और ऐसे ही कहा जाता था, और अपंग शब्द के साथ नकारात्मकता बहुत जुड़ी हुई थी। तो खेलों के बारे में जब हम कहते थे कि मैं खेलने जा रही हूँ 40 वर्ष की आयु में, तो भी लोगों को हैरानी होती थी कि ये छाती का निचला हिस्सा सुन लेकर ये महिला क्या खेलने जा रही है। वो तो एक तो पहले अपंग, ऊपर से महिला, दो बच्चों की माँ, और फिर 40 वर्ष की आयु में कहाँ निकली है कैंप करने, जब मैं राष्ट्रमंडल खेलों का 2010 का कैंप में मैं आई थी। रही बात आपने पूछा कि 53 का क्या अर्थ है, तो जो हमारे खेल हैं उसमें शारीरिक क्षमता के अनुसार अच्छा। आपकी कितनी मसल ग्रुप काम कर रही अच्छा, है अच्छा, आपका कौन सा अंग काम कर रहा अच्छा, है अच्छा, अच्छा। ताकि आप जब खेलने जाएं तो आपको अपने ही प्रकार के जो खिलाड़ी हैं जिनकी उतनी ही शारीरिक क्षमता है, टू गिव अ फेयर कॉम्पिटिशन। अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया, जैसे विजुअली इम्पेयर्ड जो खिलाड़ी हैं, जो जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, उनकी तीन श्रेणियां हैं, F11 जिन्हें बिल्कुल नहीं दिखता, फिर F12, F13 अच्छा, अच्छा, अच्छा। ऐसे, और व्हीलचेयर कैटेगरीज हैं 51 से लगा के 57 अच्छा, 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 अच्छा। तो उसमें भी मेरी काफ़ी हाई इंजरी है अच्छा। तो 53 का अर्थ है कि आपके केवल हाथ काम करते हैं अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन कंधे भी आपके कमज़ोर हैं और आपका बॉडी बैलेंस कमज़ोर है ओके। तो ऐसे अलग अलग श्रेणियाँ हैं, जैसे एम्प्यूटीज़ हैं अच्छा, अच्छा। उनको 44-46 कैटेगरी दी गई है अच्छा, अच्छा।
जो कृत्रिम अंग लगाकर टांगों में खेलते हैं उनको 64-63 दी गई है। तो ये एक कंपटीशन को फेयर करने के लिए फिजिकल वो है असेसमेंट असेसमेंट के हिसाब से। अच्छा दीपा जी, आप ये एथलेटिक्स में तो आपने भारत का नाम ऊंचा किया है, हम सबको गौरवान्वित किया है, मोटर स्पोर्ट्स में भी आपने हाथ आजमाए? एक्चुअली मैं करने निकली तो मोटर स्पोर्ट्स ही थी और स्पोर्ट्स एक्सीडेंटली हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि जब मैं इस शरीर में मेरा दोबारा जन्म हुआ, 30 वर्ष की आयु में लकवा हुआ, ऑपरेशन हुए, ट्यूमर हुआ, तो एक कहीं ना कहीं मेरे को कुछ ऐसा करना था अपने शरीर से, एक अपनी शरीर की जो एक आइडेंटिटी बन गई थी कि ये अपंग महिला है, ये उदास महिला है, या फिर ये इतना ही कर सकती है, जो मेरे शरीर के ऊपर कुछ सोच, एक जो धारणा बन गई थी समाज की, जो अक्सर होती भी है जी। तो ऐसी धारणा के विपरीत मुझे कुछ करना था जी। तो मुझे बचपन से गाड़ी चलाने का, मोटरसाइकिल चलाने का शौक था और ये मेरा बहुत एक यूनिक आइडेंटिटी होती थी बाइकर की जी। तो सब यही कहते थे, अरे दीपा जब चलती थी तो खूब बाइकें चलाया करती जी। थी। बाइक दोबारा चलाने के लिए मैंने वर्जिश शुरू करी, मैंने कैसे बाइक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी तकनीकी वो जो उसके लिए मुझे लाइसेंस चाहिए, तो वहाँ से एक मुहिम शुरू हुई थी। और फिर या मैं यूँ कहूँ कि जिन पहियों पे ईश्वर ने मुझे बिठाया था और उन पहियों की वजह से लोग मुझे एक नेगेटिव एटीट्यूड से देख रहे थे, तो मैं कुछ ऐसे पहिए अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रही थी, चाहे मोटरसाइकिल के हों, चाहे कार रैली के हों, मोटर कार रेसिंग के हों, स्पीड स्प्रिंट हो, रेड द हिमालय रैली हो, डेजर्ट स्टॉर्म हो, लेकिन वो करने वक्त भी मुझे एक पर्पज़ मिला, क्योंकि लाइसेंसेस का इशू था, मॉडिफाइड गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का इशू था, और जब मैंने उन्हें चलाने की कि मैं हाई ऑल्टीट्यूड में चलाऊंगी, तो मेरे को डॉक्टर्स ने कहा आपको अपनी लंग कैपेसिटी इम्प्रूव करनी होगी, आपको अपने कंधों में थोड़ा सा दम भरना होगा। तो रिहैबिलिटेशन मैंने एक बार पुनः शुरू करी 2005 में और वो रिहैबिलिटेशन के तहत मेरे को स्पाइन एक्सरसाइज के लिए पानी में उतारा गया। अच्छा। हाइड्रोथेरेपी करते हुए मुझे पता लगा कि मेरा शरीर पानी में डूब नहीं रहा है। अच्छा। और दिल्ली आई थी मैं इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में, वहाँ से फिर पता लगा कि कुछ खेल भी होते हैं। अच्छा। नहीं तो मैं एक मैरिड आर्मी वाइफ थी, अपनी आर्मी कंटोनमेंट की एक छोटी सी दुनिया में रहती थी, बाहर से इतना ज़्यादा टच नहीं था और हमारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा लैपटॉप या इंटरनेट का भी कोई प्रचलन था नहीं। लेकिन दिल्ली आने के बाद मुझे कई चीज़ों का पता चला, मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ पता चला, मुझे खेलों के बारे में पता चला और बाइकर और कार रेसर बनते बनते मैं खिलाड़ी बन गई। रेड द हिमालय रैली आपने की है जी, और उसमें कई आपने दर्रे और पासिस पास किए हैं बाइक कार, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसका एक्सपीरियंस बताइए कि हिमालय पर जहाँ पर इतना अल्टीट्यूड होता है जी। मैं हमेशा यही कहूँगी कि प्लीज़ कोई भी उठ के ना चला जाए, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर, काफ़ी मेडिकल एडवाइस के तहत ही जाइए, ये नहीं कि एक दीपा चली गई है व्हीलचेयर पे बैठी हुई तो कोई भी जा सकता। सही बात है, ट्रेनिंग का। मैंने भी बहुत उसके बारे में पता किया था, डॉक्टरों की बहुत एडवाइस ली थी, मेडिकल बैकअप पूरा मेरे साथ था, इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स पूरे फॉलो किए गए थे और काफ़ी ट्रेनिंग लेनी होती है, रोड बुक पढ़ना, रैली के जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, सेफ्टी है, रोल केज है, हेलमेट्स हैं, सेफ्टी बेल्ट्स हैं जो अलग तरीके की होती है, साथ में गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन रखी जाती है कि कोई भी ऐसी, लेकिन चुनौतीपूर्ण था, मेरे शरीर में मल और मूत्र की शक्ति भी नहीं है और बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल भी नहीं है, शायद इसीलिए उसे लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया है और मुझे हिमालयन मोटर स्पोर्ट्स विजय परमार जी ने आउटस्टैंडिंग करेज के लिए एक रेड द हिमालय की ट्रॉफी भी गिफ्ट करी जी। और इतने गर्व के साथ मैं आज आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ कि जब आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हमारे भारत की लेगेसी को रिवाइव करा और हिमालयन रैली जो
हुई थी आज से 40 वर्ष पहले, जब पहली बार एक हिमालयन रैली का रूट लिया गया था और उस रूट पे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग लोग आए थे हिमालय की एक मोटर स्पोर्ट्स लेगेसी को इंजॉय करने या पार्टिसिपेट करने। हाल ही में मात्र एक हफ्ता पहले ही उसका एक रिवाइवल किया हमने जी। सेम हिमालयन रूट का जी। और स्वयं फेडरेशन मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया के जो मेंबरान हैं वो मुझे खास न्योता देने आए कि हिमालयन रैली दीपा तुम्हारे पार्टिसिपेशन के बिना अधूरी रह जाएगी। क्या बात है। तो मैं हाल ही में एक और हिमालयन रैली करके लौटा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा दीपा जी, अभी आपने एक ट्रीस कही, आपने कही कि लोग बाग ताना मारते थे कि ये 40 साल की है, पैर इसके ठीक नहीं है, लेकिन जब आप वो मिलते हैं पद्मश्री दीपा मलिक से, अर्जुन पुरस्कार विजेता दीपा मलिक से, तो उनकी भावनाओं बहुत बदलाव आया है। और मैं खुश हूँ कि ये नए भारत का नया स्वरूप है कि जो लोग शंका करते थे, जो लोग सोचते थे, मैंने तो यहाँ तक सुना है जब मैं दिल्ली आ गई थी और एक कमरा किराए पे लेके अपने खेलों के लिए, और ना खाली खेलों के लिए, पॉलिसीज़ के लिए भी मैं बार बार ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर पॉलिटिशियंस, रूलिंग गवर्नमेंट, पहले दूसरी थी, फिर आदरणीय मोदी जी आने के बाद तो बहुत ही तेज़ी से बदलाव आया तो सब ये सोचते थे शायद मुझे घर से निकाल दिया गया है। अच्छा। या ये क्यों एक अच्छे परिवार से होती है लेकिन एक कमरे में आके दिल्ली में रह रही है, ये कोई उम्र है खेलने की। फिर जब शुरुआती दिनों में नया नया पैरालिसिस हुआ था तब लोगों ने ये भी सोचा कि ये शायद अच्छी माँ नहीं बन पाएगी, ये कभी भी घर के दायरे से बाहर नहीं रह पाएगी, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे, लेकिन सारे प्रश्न चिन्ह को एक एक करके मैंने अपनी मेहनत से हटाया। एक 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 ये होता है कि आप उसकी वजह से नेगेटिव हो जाते हैं, आप गुस्सैल हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने मुझे शिक्षा दी या जैसे मेरी परवरिश रही, मुझे हर ताने के जवाब में एक कुछ नई चीज़ करने की प्रेरणा मिली। खाना नहीं बना सकती तो मैंने गार्डन रेस्टोरेंट ही खोल दिया, 7 साल चलाया। मात्र 2 बच्चे नहीं पालती तो एक NGO चलाते हैं, उसके तहत हम बहुत दिव्यांग बच्चों का सहारा बने हैं। ये बॉडी इसकी फिट नहीं है तो फिर बॉडी फिटनेस के लिए तो झड़ी लगा दी मेडलों की, और खेल रत्न तक जाके रुकी क्योंकि और फिट इंडिया की अपने आप में मैं एम्बेसडर रही हूँ, और अगर मैं खेल रत्न प्राप्त करने योग्य खिलाड़ी हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं फिट हूँ। तो बहुत सारे सवाल थे, फाइनेंशियल लाइबिलिटी की आर्थिक रूप से परिवार पे बोझा बनी रहेगी, तो मैंने अपने वर्टिकल जैसे चाहे मैंने खेलों द्वारा जब पॉलिसीज बन गई तो जितने भी कैश अवार्ड्स थे, चाहे मैं मोटर स्पोर्ट्स रैलीज में जो स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, या फिर मैं अपनी मोटिवेशनल सेशंस के जो स्पीकर सेशंस हैं उसकी फीस, और आज तो मैं एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ जी जी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में। अच्छा। तो हर चीज़ का बड़ी मेहनत से उसका मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढा, उस नई चीज़ को नए ढंग से सीखा और उसमें अपने आप को ढाला, लगातार सीखती रही, लगातार जीतती रही। तो आपका कहने का ये भी तात्पर्य रहा, मैं जो समझ पाया आपकी बात को, कि जो हमारे बच्चे किसी वजह से दिव्यांग हैं और वो स्पोर्ट्स पाना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी प्लानिंग करके आए, जैसा आपने भी बताया। देखिए, कोई भी खेल खेलना है तो नेचुरली आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो फैमिली बैलेंस करनी पड़ेगी, अगर आप किसी कार्य पे कार्यरत हैं तो आपको अपना जॉब और ट्रेनिंग बैलेंस करनी पड़ेगी, अगर आप बच्चे हैं तो आपको पढ़ाई बैलेंस करनी पड़ेगी, और थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से भी आपको अपने आप को सशक्त करना होगा ताकि आप। तो मैंने सबसे पहले नॉलेज गेन करी, फिर अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त किया, फिर सही पॉलिसीज़ की एक लड़ाई लड़ी और उसके बाद खेलों में आगे बढ़े। तो
अब तो काम बहुत आसान हो गया है, सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं, खेल नीतियां बहुत खूबसूरत हो गई हैं, एक एक करके धीरे धीरे सभी प्रदेश उनकी भी जो नीतियां हैं वो अच्छी बन रही हैं। जी, जो आपका पैरालंपिक कमेटी के आप अध्यक्ष हैं दीपा जी, तो आप जो बच्चे हमारे जो जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था, अगर वो बच्चे मतलब आपसे संपर्क करना चाहें या किस प्रोसेस पे हमारी ये कमेटी जो है वो काम करती है ताकि वो बेनिफिट हो सके बच्चों को, तो सब हमारे चैनल के माध्यम से उनको कुछ देखिए। प्रोग्रेस जो है वो एक निरंतर प्रोसेस है, बहुत कार्य करना बाकी है। अभी दिव्यांग खेलों के क्षेत्र में नीतियाँ बन गई हैं, इन खेलों को बहुत सारी रिस्पेक्ट भी मिली है रियो के बाद, टोक्यो के बाद, आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं खिलाड़ियों से बात करते हैं। ग्रास रूट लेवल पे अभी हमको बहुत काम करना और है, लेकिन अगर कोई भी बच्चा खेलना चाहता है तो अपने प्रदेश में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जो आपके डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं उनसे भी आप इसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं। हमारा वेबसाइट है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का, उसके ऊपर भी आपको सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, रिस्पेक्टिव स्टेट बॉडीज़ के बारे में, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेहतरीन यूज़ करिए, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी दिव्यांगता में आप कौन सा खेल बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। अभी बहुत सारे कोचेस का इन खेलों से जुड़ना बाकी है, बल्कि मैं अपील करती हूँ कि कोई भी कोच है, चाहे वो फिज़िकल एजुकेशन टीचर हो स्कूलों में, चाहे वो एबल बॉडी जिसे कहते हैं कि ओलंपिक खेलों में जो कोचिंग करते हैं, वो बड़ी आसानी से थोड़े बहुत रूल्स और रेगुलेशन जानकर पैरालंपिक खिलाड़ियों की भी कोचिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे लोग जुड़ेंगे पैरा खेलों से तो दिव्यांग बच्चों की और ज़्यादा मदद हो पाएगी। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपने बहुत खूबसूरत बात कही और जानकारी दी हमारे नए बच्चों को, अभी जो माहौल चल रहा है फिलहाल पैरालंपिक्स के लेकर काफ़ी जागरूकता फैली है लोगों में से, आपने कहा कि सरकारी सहायता मिली है, सरकारी दिशा निर्देश इस तरह के हो गए हैं कि काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन अभी भी जो समाज के जैसे कोई बेटी है ग्रामीण क्षेत्र में है तो उनके मनोबल के लिए आप कुछ संदेश देना चाहें उनके मनोबल के लिए, बच्चों के खासतौर से बेटियों के मनोबल के लिए, क्योंकि आपने ये दर्द झेला है दीपा जी। मैं भी किसी की बेटी हूँ और आगे मैं दो बेटियों की माँ भी हूँ। मैं अपनी देश की बेटियों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि दुनिया आपको उसी नज़र से देखेगी जिस नज़र से आप खुद अपने आप को देखते हैं। क्या बात जी। तो अपने आप के अंदर एक हुनर पैदा करिए, अपने आप को शिक्षित करिए, अपने अंदर एक प्रतिभा को उजागर करिए, एक पैशन जिंदा रखिए और हट करिए उसे मेहनत से सीखने का। जब आप कोई भी हुनर अपनाती हैं उसमें आप बहुत मेहनत कर और उसको अच्छे ढंग से सीख लेती हैं तो धीरे धीरे आपके समाज में, आपके सोसाइटी में, आपके माता पिता में, आपके शिक्षकों में आपके प्रति एक फेथ डेवलप होगा। सो कहने का अर्थ है कि खुद को सशक्त करिए, खुद का मनोबल ऊंचा रखिए और खुद को उसी नज़र से देखिए जिस नज़र से आप दुनिया को अपने आप को दिखाना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की आपने। अभी हम बस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में हैं, मैं ये जानना चाहूँगा मैं अपने दर्शकों के लिए कि आप अपने मुँह से बताएं, अपने आप से बताएं कि आपके पास, मैं तो अवार्ड बताऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा, आप खुद बताएं कि आपने क्या क्या उपलब्धियाँ, हमें बड़ा गर्व है कि हमारी बहन ने भारतवर्ष के लिए इतनी सारी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, तो मैं चाहूँगा दीपा जी खुद अपने मुँह से बताएं कि कौन कौन से अवार्ड, आप जैसे अर्जुन अवार्ड है जी। सबसे प्रथम अगर मैं कहूँ तो जैसा मैंने कहा कि मोटर स्पोर्ट्स से मेरी शुरुआत हुई है, तो चार मेरे लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं रजिस्टर्ड, गाड़ी चलाने में हाई ऑल्टीट्यूड या एक लंबी ड्राइव चेन्नई से दिल्ली तक गाड़ी चलाई थी, यमुना नदी मैंने बहाव के विपरीत तैर के पार करी है, अच्छा। 1 किलोमीटर की मैंने नॉनस्टॉप स्विमिंग करी थी गऊ घाट इलाहाबाद में, जी। मोटरसाइकिल चलाकर भी मैंने एक लिम्का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये तो मेरे मोटर स्पोर्ट्स एडवेंचर के अवार्ड्स रहे हैं। लेकिन मेरा दिल का करीब जो सबसे करीब अवार्ड है वो है नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशंस से मिला हुआ प्रधानमंत्री की जूरी के तहत
वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, एक ऐसी महिला जिसने भारत को ट्रांसफॉर्म किया, तो ये अवार्ड मेरे काफ़ी प्रिय है। बाकी राष्ट्रपति पुरस्कारों की बात करूँ तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास 5 राष्ट्रपति पुरस्कार हैं। खेल रत्न, अर्जुना अवार्ड, ये 2 पुरस्कार खेल मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति जी देते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके तहत फर्स्ट लेडीज़ अवार्ड राष्ट्रपति जी का मिला है, जिसमें वो महिलाओं को दिया जाता है जो भारत के लिए पहली बार कुछ करती हैं। तो मेरी तो कई श्रेणियाँ हैं, चाहे बाइकिंग कहें, चाहे रैलिंग कहें, चाहे तैराकी कहें, चाहे खेल कहें। और एक पुरस्कार मुझे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री से मिला है, जिसमें नेशनल रोल मॉडल पुरस्कार जिसे कहते हैं, वो भी राष्ट्रपति जी ही देते हैं। तो पद्मश्री तो आपने कह ही दिया कि पद्मश्री भी मुझे मिला है। तो 5 राष्ट्रपति पुरस्कार हैं, 68 मेरे नेशनल मेडल्स हैं गोल्ड, 23 अंतर्राष्ट्रीय मेडल हैं, और बाकी तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई अवार्ड है जो राष्ट्रीय स्तर पे मिलता हो, चाहे वो खेलों के लिए हो, सोशल वर्क के लिए हो, जो मुझे ना मिला हो अलग अलग खेल, चाहे मीडिया हाउसेस हो। लेकिन हर अवार्ड के साथ मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी बड़ी है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मैं महाराष्ट्र से तैराकी करती थी जब मैंने शुरू किया था, मेरे हस्बैंड वहाँ पोस्टेड थे, तो स्टेट का भी मेरे पास तैरने के लिए स्टेट अवार्ड है, शिव छत्रपति अवार्ड है, और एथलेटिक्स के लिए मेरे पास हरियाणा का भीम अवार्ड है। तो अच्छा। जी तो और राजस्थान से मुझे महाराणा मेवार अरावली अवार्ड मिला है, तो 3 स्टेट से भी मुझे अवार्ड मिले हैं, तो बहुत अच्छा जुड़ाव महसूस होता है। अच्छा, एक बस आखिरी पड़ाव में पहुँच रहे हैं, मेरी सेकेंड लास्ट सवाल रहेगा मेरा दीपा जी, कि आपने अभी जो हमने बातचीत की, जो गुफ्तगू, मैंने ये जाना कि दीपा ने, दीपा मलिक ने एक छोटे से कमरे में रहकर संघर्ष किया, तो वो दीपा मलिक खेलों की जब मैं दिल्ली आई खेलने के लिए आपने खेलने के लिए जो संघर्ष किया, और आपको एक छोटे से कमरे में रहना पड़ा और दूसरी दुश्वारियाँ जीवन की झेली आपने, तो वो दीपा जब आज एक सफल दीपा से, एक गौरवान्वित दीपा से मिलती है, तो क्या बातें करती है? एक ही बात कहती है कि ईश्वर पे अगर भरोसा है जी, ईश्वर पे अगर भरोसा है तो जो किस्मत में लिखा है वो पाओगे, लेकिन अगर खुद पे भरोसा है तो ईश्वर वो लिखेगा जो तुम चाहोगे। क्या बात है, क्या बात है। तो ये देखा दोस्तों, दीपा जी थी आज हमारे साथ। दीपा जी जीवन के जिजीविषा और जीवट का एक दमदार उदाहरण है, कि जिन्होंने सारी दुश्वारियों को झेलते हुए भी हमारे देश का और हमारा नाम रोशन किया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप भी खेलों में हैं और आपको कोई किसी तरह की दिव्यांगता है, तो आप इनकी कमेटी से संपर्क करें। दीपा जी हमेशा आपके लिए वहाँ पर हैं, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। आपने हमें समय दिया दीपा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों ने भी हमें देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।